वही हल्द्वानी के मलिक का बगीचा को खुर्दबुर्द करने के मामले में आरोपी साफिया मलिक आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार साफिया को बीती देर रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, कोतवाली पुलिस ने बीती 22 फरवरी को साफिया मलिक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले की आरोपी साफिया फरार चल रही थी। इसी दौरान बीती 12 मार्च को साफिया मलिक के वकील ने एडीजे में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, जिस पर 27 मार्च को सुनवाई हुई और इस सुनवाई में कोर्ट ने साफिया को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। आज नैनीताल पुलिस ने जो बनफूलपुरा में अतिक्रमण वाला मामला था, जिसमें नगर निगम के द्वारा एक एफआईआर करवाई गई थी, उसमें अब्दुल मलिक की पत्नी साफिया मलिक जो नामजद अभियुक्त थी, उसको आज नैनीताल पुलिस की टीम ने बरेली से गिरफ्तार किया गया है। और इसमें अन्य जो नामजद अभियुक्त हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है। इसमें अब्दुल मलिक भी नामजद अभियुक्त हैं, जो ऑलरेडी दूसरे मामले में जेल में बंद है। इस मामले में विचारणा चल रही है, आगे जैसे भी तथ्य आएंगे उसके खिलाफ से पुलिस कार्रवाई करेगी।